डूबती हुई नाव से सब निकलकर बाहर भाग रहे हैं, नाव खाली है तो नाव को कैसे चलेगा। कोई बैठक में जब जा ही नहीं रहा है तो रद्द करना पड़ा है, फिर सबको मनाएंगे, एक दूसरे के आंसू पोछेंगे, भड़म का जाल बनाएंगे, तब बैठक करेंगे कि इनका इस गठबंधन का कोई अब मतलब नहीं है, जन्म से पहले ही ये मृत हो चुके। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, INDIA की बैठक को अचानक से रद्द कर दिया गया, सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है, बिहार में सियासी उफान है। सवाल ये कि आखिर चुनाव के बाद जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसके बाद इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। बीजेपी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि हार से, डर से INDIA में खलबली और इस वजह से इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। हमने बातचीत की है बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से, किस तरीके से INDIA गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस बैठक को बुलाई गई थी उसके बाद से ही कई बातें सामने आ रही थी, कई नेताओं के नाम सामने आए थे जो इस बैठक में शिरकत करने के लिए नहीं जाने वाले थे, और अब अचानक से यही वजह देकर इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया कि कई नेता नहीं आ रहे हैं और वजह यही है कि इस बैठक को रद्द किया गया। विजय कुमार सिन्हा आपसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। डूबती हुई नाव से सब निकलकर बाहर भाग रहे हैं, नाव खाली है तो नाव को कैसे चलेगा। कोई बैठक में जब जा ही नहीं रहा है तो रद्द करना पड़ा है, फिर सबको मनाएंगे, एक दूसरे के आंसू पोछेंगे, भड़म का जाल बनाएंगे, तब बैठक करेंगे। लगता है कि बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली है 3 राज्यों में, उस रिजल्ट को भी देख के कहीं घबराहट, इनका सारा चाल बेनकाब हो गया। जातीय जहर का लहर का कहर का असर नहीं हुआ, धार्मिक उन्माद तुष्टिकरण का भी असर नहीं हुआ। तो जब दोनों शस्त्र बेकार पड़ गए तो ये वंशवादी भ्रष्टाचारी की लाचारी बेबसी अब साफ झलक रही है, और इसीलिए हड़बड़ी में इन्होंने घोषणा कर दिया था बैठक का, जबकि इनका इस गठबंधन का कोई अब मतलब नहीं है, जन्म से पहले ही ये मृत हो चुके। JDU के सांसद हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन, नीतीश कुमार के सांसद, पूरा देश कह रहा है 140 करोड़ जनता के मन के अंदर मोदी जी का जलवा साफ दिखाई पड़ रहा है, और उनके ऊपर यह विश्वास है कि मोदी की गारंटी साकार रूप लेता है। चलिए, तो साफ तौर से जिस तरीके से INDIA की बैठक होने वाली थी और उस बैठक को अचानक से रद्द कर दिया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर से बड़ा हमला बोला है, और JDU के ही सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी कल ही कहा, देखिए रिजल्ट आने के बाद सवाल खड़े हो रहे थे और सुनील कुमार पिंटू ने भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। अब ऐसे में विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।